मतलब बेस एकदम से बढ़ गया यार गाने के अंदर। ये जो फीचर है ना मारुति सुजुकी प्ले ऐप का, इतना जबरदस्त है। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, मैं बैठा हूँ अपनी ब्रेजा 2022 के अंदर। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले ऐप के ऊपर, कि वो कनेक्ट कैसे होती है, काम कैसे करती है। यार एक चीज़ मैं वीडियो में पहले ही बता दूं कि अगर आपने जो अपना सिस्टम है बाहर से लगवाया है तो आपको मारुति सुजुकी कनेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा उसके अंदर। ये वही लोग यूज़ कर पाएंगे जो कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, यानी कि VXI। तो यार इसलिए ये जो वीडियो ही है स्पेशली VXI वालों के लिए, लेकिन उनके भी काम आएगी जिसके पास सुजुकी स्मार्ट प्ले का ऑप्शन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले ऐप को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ पे मैं अपने प्ले स्टोर में आया हूँ और अपने प्ले स्टोर में आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो को डाउनलोड करना होगा। तो चलो गाइस सबसे पहले अपने फोन को अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पेयर करते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेयर डिवाइस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेयर हो रखा है रेडमी K20 Pro, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये टाइम लेगा, अब यहाँ पे ओके आएगा, ओके मैं कर दूंगा। इसने बोल दिया है यहाँ पे कि सुजुकी प्ले ऐप से वो कनेक्ट हो गया है। तो सब हमने अपने डिवाइस को पेयर कर लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सुजुकी का एक लोगो आ रहा है और यहाँ पे ब्लूटूथ दिखा रहा है। इसका मतलब जो आपका फोन है और जो आपका सिस्टम है वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो रखा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे AHA मिलता है, यहाँ पे म्यूजिक मिलता है, वेदर मिलता है, न्यूज मिलता है, हंगरी, स्पोर्ट्स एंड डाउनलोड्स। मतलब ये सारी चीजें आपको पता ही है कि अगर आपको म्यूजिक चलाना है, वेदर देखना है, न्यूज देखनी है, आपको भूख लग रही है, सपोज करो आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और आपको भूख लग रही है, आप देखना चाहते हैं कि आसपास कोई रेस्टोरेंट है, तो ये भी आपको बताता है, स्पोर्ट्स की न्यूज भी बताता है, ये डाउनलोड्स है। तो ये है आपका स्मार्ट प्ले स्टूडियो ऐप। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर में आपको ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है, स्मार्ट प्ले स्टूडियो, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेरेंस आएगा आपके पास। अभी तो हम इसको एज अ गेस्ट की तरह ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी गाड़ी का नंबर वगैरह मांगेगा ताकि आपकी गाड़ी और आपके फोन को आपस में रजिस्टर कर ले। तो अभी हम ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो एज अ गेस्ट की तरह चलते हैं, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अब कंटिन्यू एज अ गेस्ट के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, स्मार्ट प्ले रिमोट और ये नेवी मैप्स और ये AHA रेडियो। तो बेसिकली जो वीडियो होने वाली है हमारी स्मार्ट प्ले रिमोट के ऊपर होने वाली है, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेरेंस आता है आपका स्मार्ट प्ले स्टूडियो में। तीन चीज आपको दिखाएगा, मीडिया सोर्स, ऑडियो सेटिंग एंड व्हीकल इंफॉर्मेशन। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मीडिया सोर्स के ऊपर। तो मीडिया सोर्स को क्लिक करेंगे, यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक FM का और एक ब्लूटूथ का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो FM चल रहा है इस टाइम पे वो 104.8 चल रहा है, और सेम विद अगर आप स्क्रीन में देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम में, यहां भी 104.8 चल रहा है। तो यानी अब मैं अपने FM को अपने फोन से कनेक्ट कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं, मतलब मुझे बार बार अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को टच नहीं करना, मैं अपने फोन से ही FM को कंट्रोल कर सकता हूं। बैक आते हैं और दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑडियो सेटिंग का। यार ये ऑप्शन सच में बहुत जबरदस्त है। आप यहां पे सेट कर सकते हैं कि आपको बेस कितना चाहिए और मिड कितना चाहिए, ट्रेबल कितना चाहिए। यहां से मैं इसको कम कर दूंगा तो बेस पूरा कम हो जाएगा, मैक्सिमम कर दूंगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से तीनों की सेटिंग है, मैं इसको कम कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको कैसा पसंद है आप वैसे उसको रख सकते हैं। यहां पे दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है इस तरह से। यार ये जो फीचर है ना मारुति सुजुकी प्ले ऐप का, इतना जबरदस्त है कि यार क्या होता है कि आपके जो भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो गाना चला रहे हैं बहुत लाउड में चला रहे हैं, लेकिन आपको वो आवाज नहीं चाहिए, आपको ड्राइविंग में ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से स्पीकर में ज्यादा पावर देनी है और कौन से स्पीकर से ज्यादा आवाज आनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फिंगर को रखना है और जिस भी डायरेक्शन में आप इसको लेके जाएंगे, सपोज मैंने इसको यहां ले गया, अभी मैंने ये देखो आप एरो दिख रहा होगा सबसे आगे की तरफ है, इसका मतलब अब मेरी गाड़ी में लेफ्ट साइड का जो स्पीकर है वो ही चलेगा और बाकी के जो मेरे तीन स्पीकर है वो नहीं चलेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको ड्राइवर साइड में कर दूंगा तो सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो मेरा स्पीकर है वही चलेगा, बाकी जो मेरे तीनों स्पीकर है नहीं चलेंगे। सेम विद अगर मैं पीछे करूंगा तो पीछे वाला राइट वाला चलेगा और अगर इधर कर दूंगा तो लेफ्ट वाला चलेगा, और अगर मैं इसको मिडिल में ले आऊंगा एकदम बीच में तो इस टाइम पे इक्वली पावर जाएगी चारों स्पीकर के ऊपर। तो चलो इसको एक बार मैं आपको बताता हूं ये काम कैसे करता है, देखो आपको अच्छा लगेगा, आपको स्पीकर की साउंड में भी फर्क लगेगा। तो चलो एक बार ब्लूटूथ में आते हैं अपने, और जो मैं आपको फीचर समझा रहा था कि वो काम कैसे करता है, सबसे पहले मैं अपने आप एक सॉन्ग को प्ले करूंगा, और ये देखो मैं सॉन्ग को प्ले कर दिया यहां पे।
जो मेरा सॉन्ग है, अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी वॉल्यूम है वो मुझे लेफ्ट साइड वाले स्पीकर में है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से बैक आऊंगा, यहाँ से भी बैक आऊंगा, और देखो अब अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो आवाज है ना सिर्फ लेफ्ट वाले स्पीकर से आ रही है। मैं अगर ड्राइवर साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ड्राइवर साइड पे वॉल्यूम हो गई, पीछे करूंगा तो राइट वाले स्पीकर पे हो गई, पीछे वाले ये लेफ्ट वाले पे हो गई। अगर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा साउंड जो है मेरी गाड़ी में, चारों स्पीकर पे सेम पावर जा रही है। अब सपोज आपको प्रीसेट्स भी मिलते हैं यहाँ पे, यार ये बहुत तगड़ा ऑप्शन मुझे मिला, यहाँ पे फ्लैट करेंगे अगर हम, तो आप आवाज में फर्क देखना म्यूजिक के, ये रॉक करा मैंने, ये पॉप करा, ये हिप हॉप करा, ये जैज करा, ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से हम इसको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो मुझे ये वाला जो फीचर है ना इसमें प्रीसेट्स का, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, मतलब बेस एकदम से बढ़ गया यार गाने के अंदर, और ये फ्लैट मतलब नॉर्मल जो आना चाहिए, ये मैं रॉक पॉप हिप हॉप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ। तो इसको बंद करते हैं। तो यार ये तो जो सेटिंग्स थी हमारे ऑडियो सेटिंग्स थी, ऑडियो कैसे काम करता हमारे कार के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे कि आप अपने हिसाब से किस स्पीकर पे ज्यादा वॉल्यूम देनी है और किस स्पीकर को बंद करना है वो अपने स्मार्ट प्ले ऐप के थ्रू ही कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट में, जो हमारा व्हीकल इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत जबरदस्त है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेरेंस आता है और आपको सीधे दिखाता है कि आपकी ड्राइविंग रेंज जो है कार की वो 539 किलोमीटर है, मतलब आपकी गाड़ी जो है भी अभी यहाँ पे 500 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, और एवरेज भी अगर आपको दिखा रहा हो तो 15 की एवरेज दिखा रहा है। यार बहुत ज्यादा बम्पर टू बम्पर चलाता हूँ रोज में, फिर भी मुझे 15 की एवरेज दिखा रहा, तो यार ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अलर्ट्स के भी ऑप्शन दे रखे हैं, अभी मैंने कोई भी एक्टिव अलर्ट्स नहीं है, और यहाँ पे सेटिंग्स के भी ऑप्शन दिखा रखे हैं कि डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, लो फ्यूल, और ये वाला जो ऑप्शन है ना की FOB बैटरी, मतलब ये आपके चाबी की बैटरी भी बताता है कि वो कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। तो मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले ऐप है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है। मैंने आपको सारी चीजें समझाई, मीडिया सोर्स के बारे में समझाया, मैंने आपको ऑडियो के बारे में समझाया, सेम विद मैंने आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी दी। तो यार अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार देखो फिर से बोलता हूँ यार, बहुत बड़ी बात नहीं है यार, ये सब्सक्राइब बटन है, ये बहुत फ्री है, बस इसको दबाना है, दबाने से ये लाल से काला हो जाएगा, बस इतना कर दीजिए यार कि इसको लाल से काला कर दीजिए।